हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यू फॉर रिएक्शन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल गाइस। आप आज आपको पता है जैसे बांग्लादेश में ईद है, तो हम दोनों की तरफ से उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज पाकिस्तान में सेकंड डे है और बांग्लादेश में आज फर्स्ट डे है, तो उम्मीद है कि आपकी आज का जो फर्स्ट डे है बहुत अच्छा गुजरे, बहुत अच्छा गुजरेगा, और दुआ भी है कि अच्छा गुजरे। और ये मीठी ईद होती है, और मीठी ईद पे जो होता है कि खुशियों की ईद है, और इसमें ये है कि लोग जो हैं एक दूसरे की दावतें करते हैं, खाने वगैरह बनाते हैं मजे मजे के, और नाराजगियां खत्म करके बिल्कुल यही मौका होता है कि जिसमें अगर कोई नाराज है उसको मना लिया जाए और खुशियाँ बांटिए, और बहुत मज़ा आता है इस ईद पर। तो आज हम वीडियो भी जो है वो लेकर आए हैं, ईद का एक सॉन्ग है बहुत जो ज़बरदस्त और प्यारा सॉन्ग है, ईद का है लेकिन बंगाली में है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत डिमांड है सॉन्ग की। तो आज हम ये सॉन्ग देखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे, और पहले हम सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें डिस्कस करते हैं गाइज। तो वीडियो बजाने से पहले लेकिन गाइज, जो नए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत मजा आने वाला सॉन्ग, बहुत जबरदस्त है। म्यूजिक बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल म्यूजिक बहुत जबरदस्त है, म्यूजिक जो है वो सुनने में बहुत जबरदस्त है और मजा आ रहा है सुनने का। जितना वो ट्रेडिशनल जितना वो एक अंदाज होता है ना, बिल्कुल वैसे कल्चरल एक वो दिखाते हैं जैसे। तो थोड़ा सा अरेबिक म्यूजिक का टच जैसे होता है। आज पढ़ भी दरनामा
सब गाजी मुस्लिम होवे छे शोरी जे मई बने सब गाजी मुस्लिम होवे छे शोरी ओ मुल्लाहुन जने रोई हो जान शेषे ये लो खुशीरी आज भूले जा तोर दोस्त दुश्मन हाथ मिला हाथे आज भूले जा तोर दोस्त दुश्मन हाथ मिला ये मुझे लाइन की थोड़ी समझ आई है कि दोस्त दुश्मन अगर हैं तो वो आपस में जो है वो हाथ मिला बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यार बहुत कमाल का बहुत लवली सॉन्ग था यार बहुत जबरदस्त था और इसमें जो था इसका म्यूजिक तो ऐसा था मतलब खुद भी डांस करने का दिल कर रहा था बिल्कुल उम्र में दिल कर रहा था कि मैं ऐसे भंगड़ा डालूं तो बिल्कुल डांस करने का इसमें वाकई में दिल कर रहा था हालांकि समझ जो था वो नहीं आया लेकिन कुछ लाइंस की मुझे समझ आई कि वो एक दोस्त और दुश्मन वाली के अगर कोई आपस में कोई मतलब लड़ाई है तो उसको मतलब जो है वो हाथ में ला लेना चाहिए तो ईद का दिन है अगर कोई ऐसे गिले शिकवे भी है भी हैं तो उसको सब बुला के जो है वो आज के दिन जो है वो इंजॉय करें आज के दिन को खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए क्योंकि यही मौका है अगर अपनों से कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने का स्पेशली तो आप बताइएगा कि आपकी कल की जो चांद रात थी वो गाइस कैसी रही और आज का जो दिन आपका वो कैसा गुजरा क्योंकि ईद का दिन है मीठी ईद इसको बोलते हैं तो मीठे में जो है आज के दिन में हर घर में मीठा लाजमी पकता है आपने जरूर बताना बांग्लादेश की मिठाई तो मीठे जो आपने हमें कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइएगा कि वहाँ की जो स्पेशल चीज है मीठे में जो स्वीडिश में आती है वो कौन सी है जो ईद पे खास तौर पे बनती है जैसे पाकिस्तान में है वो शेर खुरमा बहुत पसंद किया जाता है सेवइयां बहुत ज्यादा पसंद की जाती है आपने अपना तो आपने हमें जरूर बताना कि बांग्लादेश की जो डिश है वो ईद की ईद पे जो मीठा बनता है वो क्या स्पेशल है तो गाइस बहुत मजा आया उम्मीद है कि आपको भी इतना ही मजा आया होगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दो और हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा सो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए हमारा वेट करेगा लेकिन जाते जाते फिर से पूरे पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को ईद मुबारक सो नेक्स्ट रिएक्शन में मिलते हैं टेक केयर अल्लाह हाफिज़